हेलो एवरीवन, तो हम आज फिर से मैं आपके सामने आ गया हूँ। ये वाला जो हम लास्ट वीडियो में भी कवर कर रहे थे, दैट इज़ कॉल्ड एपी क्लास टेंथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म एपी की क्या होती है। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनथ टर्म ऑफ एन एपी, एपी की एनथ टर्म। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो एपी होती है, जनरल एपी हम कैसे लिखते हैं, ए फर्स्ट टर्म, उसमें डी कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाते हैं, यानी कि फिक्स नंबर ऐड करते जाते हैं, तो वो एक एपी बन जाती है। तो ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन, जहाँ तक भी ये जाएगी। तो अब इस एपी के बारे में जो हम बात करेंगे, वो हम बात करेंगे एनथ टर्म के बारे में। तो अब किसी ने हमसे पूछा कि ये एक, अगर ये एक फाइनाइट एपी है, और फाइनाइट एपी में मैंने बताया था कि जो नंबर ऑफ टर्म्स होती है वो फाइनाइट होती हैं, अब ये हमारी जनरल एपी है तो हम इसके बारे में बात करेंगे, तो इसमें भी कुछ ना कुछ फाइनाइट टर्म्स होंगी। हमने वो बोल दिया कि हमारे वो एन टर्म्स हैं, वो हमारी एन टर्म्स हैं। मतलब जैसे ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, तो ऐसे जो लास्ट टर्म जो इसकी आएगी वो हमारी एनथ टर्म है। मतलब इसमें टोटल एन टर्म्स हैं, बस हमें उसी nth टर्म को निकालने का फॉर्मूला देखना है इस वीडियो में। तो हम देखते हैं, तो हमने मान लिया इसमें इस एपी की n टर्म्स हैं। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो इस एपी में एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है। ट्रेंड क्या है वो हम देखेंगे। वो कैसे पता लगेगा, जब हम इन टर्म्स को मॉडिफाई करके लिखेंगे। जैसे फर्स्ट टर्म को हमने एज इट इज़ लिख दिया, फर्स्ट टर्म को हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब सेकेंड टर्म को हम लिखेंगे, जो हमारी सेकेंड टर्म होगी उसे हम लिखेंगे a प्लस टू माइनस वन इंटू डी, ये लिख दिया। जो हमारी थर्ड टर्म है, ये सेकेंड टर्म यहाँ पे आई, फर्स्ट टर्म ये है, और ये जो थर्ड टर्म हमारी आएगी, अब हम इसे लिखेंगे a प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी। थ्री माइनस वन टू होता है, तो a प्लस टू डी वही आ जाएगा अगर हम सॉल्व करेंगे तो। अब हम अपनी फोर्थ टर्म को लिखते हैं, a प्लस 4 माइनस वन इंटू डी, ये हमारी फोर्थ टर्म हुई। अब आगे तक जाएगी, तो अब हमें यहाँ पे एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है। क्या ट्रेंड दिखाई दे रहा है, जो नंबर, जौन सी नंबर ऑफ टर्म है, जैसे ये फर्स्ट टर्म थी, ये सेकंड टर्म है। अब सेकंड टर्म में जो हमारा डी का कोफिशियंट है, डी का कोफिशियंट वो कैसे आ रहा है, जो नंबर ऑफ टर्म, जो जिस नंबर, जिस टर्म के बारे में हम लिख रहे हैं, एक तो उस टर्म का नंबर, उसमें से हमेशा वन सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इज दैट क्लियर? हमेशा जो जोन सी नंबर की टर्म हम लिख रहे हैं, उस नंबर में से वन सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो डी का कोफिशिएंट बन रहा है हर बार, और फर्स्ट टर्म ऐड करते जा रहे हैं। तो अगर हम इसी तरह से इसी ट्रेंड को फॉलो करते जाएं और nth टर्म के बारे में लिखें, तो nth टर्म हमारी क्या बनेगी, nth टर्म हमारी बनेगी वही सेम ट्रेंड फॉलो करेंगे, फर्स्ट टर्म a, जो सब में यूज हो रहा है फर्स्ट टर्म, और प्लस, सब में प्लस है। फिर उसके बाद जो नंबर, जौन सी नंबर की टर्म है, जैसे यहाँ सेकेंड टर्म थी तो टू, थर्ड टर्म तो थ्री, तो nth टर्म के बारे में जब लिख रहे हैं तो वो n आएगा, फिर सब में से वन माइनस हो रहा है यहाँ पे, तो वन माइनस करेंगे, वन माइनस कर दिया, और सबके बाहर d है तो d लिख देंगे, बस हो गया। ये है हमारा nth टर्म का फॉर्मूला। और जैसे मैंने बताया था, जौन सी नंबर की टर्म होती है, a के सबस्क्रिप्ट में उस नंबर को लिख देते हैं, तो ये हमारा बन गया फॉर्मूला nth टर्म का। अब इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला आ गया जिसमें n की वैल्यू रखते ही जौन सी नंबर की टर्म चाहिए वो मिल जाएगी। सिंपल बात है, हमने ये जनरल के लिए बात की। अब अगर मैं इसी जनरल ए पी के लिए, अब इसे अगर हम भूल जाएं ऊपर वाले को, और सिर्फ हमारे पास ये फॉर्मूला है, और हम इस फॉर्मूले से कोई टर्म निकालना चाहते हैं, तो हम निकालते हैं। हमने मान लिया हमें थर्ड टर्म निकालनी है, a3 निकालना है, तो बस n की जगह 3 रखेंगे और निकल जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, और वो क्या आता है a प्लस 2d, ये आ गया। और यहाँ पे थर्ड टर्म हमारी क्या थी, वन टू थ्री, थर्ड टर्म ये थी, तो a प्लस टू डी
स्टोरी, इसका मतलब हमारा फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद करेंगे। क्या फॉर्मूला है? ए एन एन एट टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी जो जिस टर्म को हम निकालना चाहते हैं वो एन की वैल्यू माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया एन एट टर्म का। अब अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, एक एपी लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ एक एपी, जैसे 1, 3, 5, 7, और मैंने बोल दिया कि ये 20 टर्म्स तक जाएगी, 20 टर्म्स तक। अब हमें हमारे से किसी ने पूछ लिया कि जो इसकी लास्ट टर्म यानी कि 20th टर्म है, 20 टर्म्स है इसमें, तो हमें 20th टर्म निकालनी है, 20th टर्म फाइंड करनी है। तो वही करेंगे, पहले मैंने बताया था कभी भी एक एपी हमें मिले क्वेश्चन में या कहीं भी एग्जाम में, तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसका उसकी फर्स्ट टर्म लिखेंगे और उसका कॉमन डिफरेंस लिखेंगे, और ये जरूर चेक कर लेंगे कि वो एक एपी है या नहीं है। तो करते हैं, हमने पहले लिखा इसकी फर्स्ट टर्म वाई वन, फिर हमने लिखा इसका कॉमन डिफरेंस दैट इज डी। डी क्या होता है? ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू, मैंने लास्ट वीडियो में सब कुछ बता रखा है, जाके चेक कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो डी। डी क्या होता है? ए टू माइनस ए वन, ए टू क्या है? 3 माइनस वन इट्स 2। अगर हम चेक करना चाहते हैं कि ए पी है या नहीं है तो हम डी टू भी फाइंड कर सकते हैं, ए थ्री माइनस ए टू दैट इज 5 माइनस 3 एंड अगेन 2। तो एक ए पी है जिसका कॉमन डिफरेंस 2 है और जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है। तो अब हमें क्या फाइंड करना था? 20th टर्म। तो हम 20th टर्म फाइंड कर देते हैं। ए 20 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था हमारा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए वन प्लस, अब एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ 20 है, माइनस वन इंटू डी, डी कितना है? 2 हो गया बस। 1 प्लस 19 इंटू 2 ये हो गया 1 प्लस 38 एंड इट कम्स 39। तो जो इसकी 20th टर्म होगी इस एपी की वो क्या होगी? 39। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल, बस फॉर्मूला लगाना है और आंसर आ जाता है हमारा। बस ये ए एन का फॉर्मूला लगाना है और एन एट टर्म फाइंड कर सकते हैं किसी भी एपी की, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा नंबर हो, छोटे से छोटा नंबर हो, कुछ भी हो। सो इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट देन डू इट। तो इतना समझ में आया अभी तक आपकी? चलिए फिर अब हम देखते हैं लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, एपी की लास्ट टर्म। अभी तक हमने पढ़ा है एन एट टर्म का फॉर्मूला क्या था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि ये एन एट टर्म का फॉर्मूला हुआ। मैंने बताया था एन एट टर्म कौन सी टर्म थी, जैसे ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ये एक ए पी है, ये एन टर्म्स तक जा रही है, कहाँ तक जा रही है? एन टर्म्स तक। तो ये एक ए पी है एन टर्म्स तक जा रही है, तो इसकी एन एट टर्म का फॉर्मूला हुआ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो अब अगर हम इस एन एट टर्म को ही अपनी लास्ट टर्म मान ले, या वही होगी क्योंकि एन टर्म्स की तो ए पी है, ए पी में कितनी टर्म्स है? एन। तो अगर हम इसी एन टर्म एन एट टर्म को क्या माने, लास्ट टर्म होगी भी वही, तो हम इसे लिख सकते हैं लास्ट टर्म भी है, ये जो एन एट टर्म है क्या है? लास्ट टर्म भी है। तो मतलब एन एट टर्म का फॉर्मूला भी हमारे पास है। तो जब एन एट टर्म ही लास्ट टर्म है तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी हमारे पास है, इसका मतलब बस इसको ए एन से डिनोट करते हैं और उसको एल से डिनोट करते हैं। एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो गया हमारा लास्ट टर्म का फॉर्मूला, सिंपल सी बात है। तो ठीक है, अब ऐसे ही अगर कोई क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे अगर हम कोई एग्जाम्पल देखें जिसमें हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड करनी हो कि कितने नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं उसमें, जैसे मैंने ये ए पी डी 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, अब हमने बोल दिया कि इसमें 20 टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं? 20 टर्म्स। अगर इस ए पी में 20 टर्म्स हैं तो, और हम किसी ने हमसे पूछ लिया कि इसकी 20th टर्म निकालो, तो मैंने अभी ऐसा क्वेश्चन एक बताया था, तो दोबारा से करते हैं। क्या ए 20 निकालनी है? ए 20 क्या होगी? ए, पहले मैंने बताया था क्या लिखते हैं,
ए लिखते हैं, फर्स्ट टर्म लिखते हैं, फिर डी लिखते हैं। डी क्या होगा, ए टू माइनस ए वन, यानी कि फोर माइनस टू कितना हुआ, टू, ये हो गया। तो अब हम निकालेंगे इसमें ट्वेंटियथ टर्म, तो ए ट्वेंटी, ए ट्वेंटी का फॉर्मूला हमारे पास है क्या, ये वाला फॉर्मूला, ए प्लस ट्वेंटी माइनस वन इंटू डी, डी क्या है टू, तो ये आ गया हमारा टू प्लस थर्टी एट एंड फोर्टी, ठीक है। तो जो इस एपी की ट्वेंटियथ टर्म होगी वो क्या होगी, फोर्टी। अब अगर इसी क्वेश्चन को कोई उल्टा करके पूछ ले, मतलब अब इसी क्वेश्चन में हमने ये, अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लें, इसी क्वेश्चन में किसी ने बोल दिया कि एक एपी है, एपी ये दे दी टू फोर सिक्स एंड अप टू, अब हमें एपी की जो है लास्ट टर्म दे दी, इसमें तो नंबर ऑफ टर्म्स दी थी एपी में कितनी है, अब हमें इसमें लास्ट टर्म ही दे दी। हमने मान लिया अगर यही एपी है, सपोज यही वाली एपी ले रहे हैं हम, और हमें जो लास्ट टर्म है वो 40 दे दी, लास्ट टर्म दे दी 40, और अब पूछा कि इसमें कितनी टर्म्स हैं। पहले क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स गिवन थी, लास्ट टर्म निकालनी थी, इस क्वेश्चन में लास्ट टर्म गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल देंगे, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला ये है हमारे पास। तो इसमें पहले लिखेंगे ए टू डी फोर माइनस टू टू, और जो एल लास्ट टर्म है वो कितनी है, 40, ये लिख दिया। तो अब क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लास्ट टर्म का हमारे पास, तो L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एल 40 इज इक्वल टू ए प्लस एन, एन की वैल्यू तो हमें निकालनी है तो एन ही रखते हैं अभी यहाँ पे, माइनस वन इंटू डी क्या है टू। अब इसे सोल्व करके एन की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, जो एन की वैल्यू आएगी उतनी नंबर ऑफ टर्म्स है, हमें तो पहले से ही पता है क्योंकि हमारे पास हमने तो ये एग्जांपल लिया, तो 20 आना चाहिए आंसर, अगर आंसर 20 आता है तो वी आर डूइंग राइट, बट इफ आंसर इज नॉट 20 तो वी आर रॉन्ग। लेट्स फाइंड आउट व्हाट द आंसर इज, सो 40, लेट्स सॉल्व इट, तो 40 माइनस टू इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू टू, एन माइनस वन की वैल्यू हुई 38 बाई टू, इट्स 19, और n की वैल्यू है 20, इसका मतलब इसमें 20 टर्म्स है, तो 20 टर्म्स ही थी, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, हमारा फॉर्मूला जो आया वो भी करेक्ट है, हमारा आंसर आया वो भी करेक्ट है, ये क्वेश्चन करने का तरीका हुआ। तो ये दो, एक ही एग्जांपल से मैंने आपको दो क्वेश्चंस क्लियर करा दिए। अब जो इसमें नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस आते हैं ये क्या क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में हमें कोई एक एपी गिवन होगी, उसकी लास्ट टर्म गिवन होती है, और लास्ट से कोई नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करनी होती है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें ये एक एपी गिवन है जिसकी लास्ट टर्म माइनस 62 है, ए 10 है, और जो डी है वो माइनस 3 है। मैंने बताया था डी जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है, तो इसमें हमारा जो डी है वो नेगेटिव है, वो हम फाइंड करेंगे अभी। तो जो इसमें हमें फाइंड करना है कि इसकी एपी की 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, एपी की, इस एपी की जिसकी लास्ट टर्म माइनस 62 है, इसकी 11th टर्म फाइंड करनी है, पर लास्ट से। अभी तक तो हमने जो फाइंड करी थी टर्म्स वो कहाँ से करी थी, स्टार्टिंग से, जैसे इसकी स्टार्टिंग से 28 टर्म फाइंड की थी, पर इसमें क्या करेंगे, लास्ट से 11th टर्म फाइंड करेंगे। तो इसे करने के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर फॉर्मूला तो है नहीं, तो हम इसमें ट्रिक्स लगाते हैं। ट्रिक क्या लगाएंगे, ट्रिक ऐसे होगी, जैसे अगर कोई टर्म्स लिखी है 1, 2, 3, 4 अप टू 10 तक लिखी हुई है, और किसी ने बोल दिया कि इसकी पीछे से 4th टर्म फाइंड करो या पीछे से 6th टर्म फाइंड करो, तो पीछे से 6th टर्म कौन सी होगी, 10 से जब 6 पीछे से गिनेंगे तो 4th टर्म आ जाएगी। तो ये मतलब जो पीछे से 10th, जो पीछे से 6th टर्म होगी वो आगे से 4th टर्म होगी, और आगे से टर्म निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास, यही करेंगे इसमें भी। तो क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे कि इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो पहले लिखते हैं ए दैट इज 10, डी दैट इज 7 माइनस 10, इट्स माइनस 3, और एल भी हमारे पास, एल क्या है, माइनस 62। तो अब एन फाइंड करेंगे, एन फाइंड करने के लिए जब एल ए और डी हो हमारे पास, तो ये मैंने बताया था अभी एक क्वेश्चन सेम टू सेम ये करेंगे, तो एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एल माइनस 62, ए 10 प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस 3,
यहाँ से n माइनस वन की वैल्यू आई, ये माइनस 62, ये 10 इधर आया माइनस, तो ये हो गया माइनस 72 और अपॉन माइनस 3, इट गिव्स यू 36। इट गिव्स यू 24। ओके, सो n माइनस वन इक्वल्स टू 24, सो n इज इक्वल टू 25। मतलब जो इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है, 25 टर्म्स है। और बस वही जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल बताया था क्या, कि अगर स्टार्टिंग से 10th टर्म है और लास्ट से 6th टर्म फाइंड करनी है तो वो स्टार्टिंग से 4th होगी। तो जब n 25 है, मतलब 25 टर्म्स है और हमें पीछे से 11th निकालनी है, तो जो पीछे से 11th होगी वो आगे से 15th टर्म होगी। अगर 25 टर्म्स है हमारे पास और हमें पीछे से 11th टर्म फाइंड करनी है, तो जब 25 टर्म्स में से पीछे से 11th हम काउंट करेंगे तो वो आगे से 15th बैठेगा। आप चाहे तो काउंट करके देख सकते हैं, तो वो क्या होगा 15th टर्म। पर उसके लिए हमें पहले ये फाइंड करना पड़ेगा, तो हमने ये फाइंड किया, अब हम निकालते हैं। तो जो लास्ट, तो जो 11th टर्म फ्रॉम लास्ट होगी वो 15th टर्म होगी फ्रॉम स्टार्टिंग। जो 11th टर्म होगी लास्ट से वो 15th टर्म होगी स्टार्टिंग से। तो करते हैं, तो हमें क्या निकालना है, और मतलब इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के हमारे पास जो लास्ट में बचता है वो क्या बचता है, कि हमें 15th टर्म निकालनी है स्टार्टिंग से, और वो उसका फॉर्मूला तो हमारे पास है ही, a15। तो लगा देंगे a15 इज इक्वल टू a प्लस, a क्या है 10, प्लस 15 माइनस 1, और d क्या है हमारे पास माइनस 3। इसे सॉल्व करेंगे तो a15 यानी कि 15th टर्म आ जाएगी, और 15th टर्म ही क्या है लास्ट टर्म फ्रॉम 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, तो ये आ गया 10 प्लस 14 इंटू माइनस 3, इट्स माइनस 42 एंड आंसर इज -32। तो a15 की वैल्यू हमारे पास आ गई -32। तो जो इसकी 11th टर्म फ्रॉम लास्ट होगी, लास्ट से 11th टर्म, वो आगे से 15th टर्म होगी -32। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। इफ़ यू नोट, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।